पिछले दिनों नगरपालिका परिसर में अस्थायी कांजी हाउस बनाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में बारिश के कारण नगरपालिका द्वारा पकड़े गए आवारा पशुओं को इंदौर रोड स्थित गोपाल गौशाला में अस्थायी कांजी हाउस बनाकर वहां रखा जाएगा, अन्य गौशालाओं में भेज दिया जाएगा। बीघन गांव गौशाला में अब गाय लेने से मना कर दिया है। नगरपालिका सीएमओ बलराम भूरे ने बताया कि गौशाला में पर्याप्त व्यवस्था और टीन शेड होने के कारण आवारा पशुओं को गोपाल गौशाला भेजा जाएगा। नहीं, मेरे द्वारा सचिव सत्यनारायण जी गोयल हैं, यह गोपाल गौशाला सनावद में ही है। वहाँ पे परसों में गया था, उनसे चर्चा करी तो उन्होंने बोला, मैंने बताया कि यह गौशाला गाय पशुओं के लिए है और पशु अगर यहाँ बारिश का मौसम है, निकाय के पास जो ये अपना कांजी हाउस है वो बहुत छोटा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाय सनावद में हैं, इसलिए गोपाल गौशाला से मैंने संपर्क किया और उन्होंने भी यस कर दिया है। और मैं आज अभी लगभग 1 बजे गया था और उनसे मैंने मांग की थी भूमि के लिए और टीन शेड गौशाला, तो उन्होंने भी लिख के दे दिया है कि सीएमओ साहब आप अच्छा काम कर रहे हो गौशाला के लिए, ये भूमि भी गौशाला की है और ये गौशाला भी आपकी है, आप यहाँ जब जहाँ तक चाह अन्य जगह गौशाला में गाय नहीं जा पा रही है तो मैं ये भूमि और गौशाला में आपको अनुमति प्रदान करता हूँ। लिखित में मेरे को अनुमति भी प्राप्त हो गई और अन्य गौशालाओं से भी चर्चा चल रही है कि अगर गायों की आवश्यकता होगी तो भिजवा दी जाएगी। किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी सर वहाँ पर गायों के लिए, पानी पर्याप्त चारा पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी? गौशाला समिति द्वारा गायों की देखरेख होगी या नहीं?